इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी है, यानी पापा हैं और उधर उनके साइड में उनके बेटा है, और ये उसे पैदल चले इनके साथ ही। ना मैं पहले चला था 4 दिन। अच्छा आप 4 दिन भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दोस्तों। आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, लेकिन मेरा समय बहुत ही खराब आ चुका है। मैं शायद यूट्यूब छोड़ दूं क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, समस्तीपुर बिहार, यही है अध्या के वासी। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, और मैं आपको दिखाने का और उनसे पूछने का प्रयास करूंगा। तो जैसा भी हो, आप वीडियो में बने रहना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। आने वाले हैं, आपको अयोध्या के सारी जगह के मैं दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर। रुद्रपुर उत्तराखंड, 9 दिन लगे आने में, 12 तारीख को चले थे, कल रात को पहुंचे। जय श्री राम। रुद्रपुर उत्तराखंड, हाँ जी। कितना टाइम लगा? 9 दिन, 12 जनवरी सुबह चले थे और 20 की रात को पहुंचे। क्या कनेक्शन? ये मेरे पुत्र है, इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में, इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो, लग रहा था बिल्कुल, मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि ये इनके पिताजी हैं, यानी पापा हैं, और उधर उनके साइड में उनके बेटा है, और ये इंजीनियर है। सिडनी में मास्टर्स कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो समर वेकेशन, वहाँ पे समर है इस वक्त, तो वेकेशन थी इस वक्त, जो है सेमेस्टर ब्रेक था, तो घर पे आए थे। तो मेरा मन था आने का, मैं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं भी साथ चलूँगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप रुद्रपुर से पैदल चले इनके साथ ही? ना मैं पहले चला था 4 दिन। अच्छा, आप 4 दिन पहले चले हैं, तो कहाँ पर ठहरेंगे? कहाँ? हनुमानगढ़ी जी में आश्रम है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, यहाँ से ये पिता पुत्र दोनों, और बहुत ही सौभाग्य है इनका भी और अयोध्या में पहुंचने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आए के, कुछ समझ न पाएगा। धर्म के अनुसार जिसमें कि सप्तपुरियां हैं, उन सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या धाम, यानी जैसे हरिद्वार है, काशी है, कांची है, तो ऐसे ही ये आपकी अयोध्या धाम है। और ये हरिद्वार से हजारों लीटर गंगाजल हरिद्वार अयोध्या धाम पहुंच रहा है दोस्तों। तो अयोध्या की सड़कों पर अब जहाँ हम देख रहे हैं, आप पब्लिक देख रहे हैं, आप भक्तगण देख रहे हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। और आप भी पहुंचे, बोलिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और मेरी हेल्प जरूर करें। मैं भी हरिद्वार से साइकिल लेकर यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। और यदि आपने मुझे सपोर्ट ना किया दोस्तों, शेयर ना किया, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ना आए, तो मैं इस वीडियो को छोड़ दूँगा। में भाग लेने के लिए यहाँ पर भी कुछ लोग इनसे पूछते हैं, कहाँ से आए, कहाँ से आए आप? हम लोग यहीं से हैं, अयोध्या से। ये अयोध्या वासी हैं, ये अयोध्या वासी हैं, और सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए यहाँ पर। कैसी लग रही है आपको अयोध्या? बहुत अच्छी है, बहुत खुशी लग रही है, इसलिए तो हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग यहाँ आए हैं और यहीं जन्म हुआ हम लोग का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तरह की सेवा चल रही है, यहाँ पर चाय और आलू पकौड़ी चल रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करें और जल्दी से जल्दी अयोध्या आएं, क्योंकि यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, ना खाने की कमी है ना ही रहने की, फ्री सुविधा रहने की, फ्री सुविधा खाने की। कैसे खुशी छुपाए राम आए के कुछ।